में प्रावधान पूरे किए हुए हैं, बजट की कोई कमी नहीं है। संसाधन जो पहले पिछली सरकारों ने बिल्कुल ड्रॉप कर दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में इसको बड़ी प्राथमिकता से लिया है और कई स्थानों पर उन्होंने संसाधन बढ़ाया है, सीकर में बढ़ाया है और भी कई स्थान है, भरतपुर है, वहाँ पर इंडोर स्टेडियम के लिए घोषणाएं की है। तो इन सब घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार खेल के प्रति बड़ी संवेदनशील। खिलाड़ी यहाँ पर विश्व स्तरीय हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे कांग्रेस के टाइम पे जो स्टेडियम वगैरह बन गए थे उनका राख रखाव ढंग का नहीं हो रहा, कोचेज ढंग के नहीं हैं, ऑफिस ढंग के नहीं हैं, स्टूडेंट्स के रुकने की जगह नहीं है, खिलाड़ियों को रुकने की जगह नहीं है, इसलिए हालत ख़राब है। बात बड़ी बड़ी की जाती है, खेलों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ खेलों में बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है और बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेलों के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। आज पूरे प्रदेश में कई जिलों में स्टेडियमों का नया निर्माण हुआ है, उनके लिए काफ़ी बजट दिया गया है और खेल का माहौल बने, खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर खेल के मैदान उपलब्ध हो, इस प्रकार के यहाँ काम किए गए और आगे भी इसमें जो जो आवश्यकता पड़ेगी सरकार वो काम करेगी और राजस्थान में खेल की भावना को बढ़ावा देगी। जाहिर है 2018 आने वाला है, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में होंगे और एशियन गेम्स भी होंगे। इन दोनों खेलों में अगर मेडल्स चाहिए तो इसका मतलब है, साफ मायने हैं कि हमें खेल प्रतिभाओं को तराश कर आगे लाना होगा। सरकार ने बजट में, दिनेश शर्मा साहब पहले आपका रुख करना चाहता हूँ, विकास पर जोर भी दिया, कहा कि हम नई खेल अकादमियाँ खोलेंगे वॉलीबॉल के लिए, साइकिल के लिए, कुश्ती के लिए, भरतपुर, बीकानेर और झुंझुनू का जिक्र किया, जोधपुर करौली में इंडोर गेम्स के लिए अकेडमी बनाने की बात कही, लेकिन वो ज़मीन पर आज काम बढ़ा नज़र नहीं आता, तो फिर ऐसे कैसे मान लिया जाए कि बेहतर काम हो रहा है? देखिए, एकेडमी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे जो पढ़ाई के बोझ से दबे हुए हैं उन्हें किसी न किसी तरह मैदान में जाने की प्रेरणा मिले, क्योंकि जब संख्या बल बढ़ेगा तो क्वालिटी अपने आप आएगी। चाइनीज़ कोच जो टेबल टेनिस अकादमी में अजमेर के अंदर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास नंबर बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होगा। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि यह उन्हें समझाया जाए कि खेल सिर्फ खेल नहीं है या करियर के लिए अपनाना नहीं है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जरिया है खेल। तो जब तक ये भावना घर नहीं करेगी पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो क्वांटिटी है वही क्वालिटी लेके आ पाएगी। आपको हर जिले के अंदर जाके एकेडमियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा जो खिलाड़ी होते हैं, पोटेंशियल जिनमें होता है, उन्हें ला करके आप जयपुर में प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि अब करियर ऐसा है कि या तो आप स्पोर्ट्स चुन लें और या पढ़ाई चुन लें। वह ज़माना चला गया जब पढ़ाई अलग होती थी, स्पोर्ट्स और दोनों मिला करके भी काम चला लेते थे, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि पहले ये चीज़ समझाई जाए कि स्पोर्ट्स जो हैं करियर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। ये भावना यदि समझ लेंगे खिलाड़ी भी, और आमतौर पर राजस्थानी घरों में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो क्या थॉट प्रोसेस बदला है आज? देखिए, बहुत हद तक बदलने की ज़रूरत है, कुछ हद तक बदला भी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि स्कूल लेवल पे, स्कूल के लेवल पे जो होता है, कोई खिलाड़ी मान लीजिए कैंप में जाता है तो वो स्कूल उसको समर्थन नहीं देता है, छुट्टियां दे देगा लेकिन उसकी पढ़ाई का क्या होगा। मेरी डॉटर खुद बास्केटबॉल खेलती थी, साइंस उसके पास थी, लेकिन जब वो कैंप्स में जाती थी, मान लीजिए 15 दिन का कैंप लगा, तो पीछे पढ़ाई में पिछड़ जाती थी। तो मैंने प्रिंसिपल्स, कुछ और प्रिंसिपल से भी मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा आप उन खिलाड़ियों के लिए क्या करते हैं, जब वो वापस जाते तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाइए और समर्थन दीजिए, नहीं तो अन्यथा हताशा घर करने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है। तो आप ऐसी स्थिति में खेल कैसे सकते हैं? तो एक ओवरऑल पूरा आपको एक सब फ्रंट के ऊपर से जाके आपको करनी पड़ेगी पहल, तब जाके खेलों की स्थिति सुधरेगी। जी शताब्दी जी, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, किस तरह से चाहिए अगर पैरा स्पोर्ट्स की बात की जाए? हाँ सर, हर तरह का सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट की तो हम बात कर ही चुके हैं कि जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी फील्ड में आगे आना मुश्किल होता है। इंस्टीट्यूशन की हम बात करूँ तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं खुद जॉब में हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अगर मैं बैंक में रहूँगी तो मैं कैसे जाकर प्रैक्टिस कर पाऊँगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करें, और मेरा, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है उनका। और मे भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर शायद इस तरह की प्रॉब्लम आती हो, लेकिन सब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है। अगर खिलाड़ी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से नहीं आ पाएगी। और
क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत अनसर्टेन चीज़ होती है, तो ये भी नहीं हो, यही नहीं है कि मतलब मैं अगर सोचूं कि अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हूं तो मैं सीधे उठा के अपनी जॉब से रिजाइन कर दूं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपके पीछे और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है, इसलिए इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जो कि मैंने फील किया है स्पोर्ट्स में आने के बाद में, मतलब यहाँ के अपने राजस्थान की बात करें तो अधिक हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पे ही राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम होता है, मुश्किल से अब हम पूरी हिस्ट्री उठा के देखें तो कुछ गिने चुने नाम होंगे जिनका हम जिक्र कर सकते हैं कि जिन लोगों ने राजस्थान का नाम रोशन किया है स्पोर्ट्स के अंदर। अधिकतर खिलाड़ियों की सिर्फ एक ही इंटेंशन होती है कि हमें स्पोर्ट्स करना है और किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, और वो डेस्टिनेशन है, मतलब एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई उसके बाद में ठीक है बस नौकरी मिल जाएगी आपको स्पोर्ट्स कोटे में और वहीं ख़त्म। तो ये एक बहुत गलत तरह की सोच है जिससे कि बाहर निकलना, ये मैं कहूँगी कि ये खिलाड़ी के लिए तो एक तरह से मानसिक बीमारी है। अगर हम सिर्फ यही सोच के काम करेंगे कि हमें सिर्फ जॉब चाहिए तो हम कभी भी मेडल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी हम राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का अपने राज्य का नाम रोशन नहीं कर सकते। तो वो एक सोच को बदलने की जरूरत है। हम डेफिनेटली अगर हम अच्छा करेंगे, अगर हम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को बेहतर साबित करते हैं तो नौकरियां तो वैसे ही मिल जाएंगी, उसके लिए तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। आप मेडल लेके आइए आपको तो बिल्कुल एकदम हाथों में परोस के देगी नौकरी गवर्नमेंट आपको। दासोद साहब, आपका भी रुख करना चाहता हूँ। इन सूरत हाल में जब पदक लाने की बात होती है, जद्दोजहद होती है, उस जद्दोजहद में अकादमियों का रोल कितना होगा, सरकारों का कितना होगा, कोचेस का कितना होगा? पदक की जब बात होती है तो सरकार का तो अहम रोल होगा, सरकार तो सपोर्ट करेगी। एकेडमियाँ भी जो चल रही हैं वो भी अपने बच्चों को, लिमिटेड बच्चों को ही तराश पाएगी, जब भी जाकर बाहर एकेडमियों के थ्रू बच्चों का एकेडमी में अच्छा खेलेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो निश्चित तौर पे पदक आएंगे। पर पदक की जब बात आती है तो जब तक पदक की बात चलती है जब तक तो हम जागरूक रहते हैं पूरे टाइम। अगर हम इसको जैसे अभी कॉमनवेल्थ हो रहे हैं तो हम इसका पहले ही प्लानिंग बनाएं, 2-4 साल का मार्जिन रखें और बच्चों को। तुलना आमतौर पर ऐसी होती है क्योंकि ओलंपिक की जब हम बात करते हैं कहते हैं कि पीवी सिंधु जीती और साक्षी मलिक जीती, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज हमारे पास में आया, लेकिन औसत प्रदर्शन कितना सुधरा हमारा नजरिया उस पर नहीं होता। आमतौर पर प्रतिभा का जो मूल्यांकन है वो सिर्फ पदक पर ही होता है। बैडमिंटन में तो साहब मैं ये कहूँगा कि एकेडमियों का बहुत बड़ा रोल रहा है पदक दिलाने में, और गोपीचंद एकेडमी, प्रकाश पादुकोण एकेडमी, और आजकल तो हर जगह एकेडमियाँ जो खुली हैं उससे बच्चों का वाकई में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और इसके परिणाम अभी देखने को भी मिले। अभी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी पीवी संधु साइना नेहवाल का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, तो इसमें इन एकेडमियों का बहुत बड़ा रोल है। और पुराने खिलाड़ी जो कोचेस बनते हैं, जो उन्होंने कोचिंग देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। बैडमिंटन में मेरा मानना है कि बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, हर जगह एकेडमियों की स्थापना हो चुकी है। और जब तक एक ही बहुत बड़ी बात कही है कि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो कोचिंग देते हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे देश के अंदर जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं 90% लोग ऐसे हैं कि वो जॉब लगने के बाद कोचिंग के क्षेत्र में नहीं आते। मैंने मिनिस्टर के सेंटर में भी ये क्वेश्चन उठाया था कि जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनने 10 साल और 15 साल खेल किया है उनको कोचिंग के अंदर आना ही चाहिए, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, 20 साल तक वो स्पोर्ट्स करते हैं तो उसको हर बारीकी पता होती है कि वो खिलाड़ी को क्या करवाना, वो ही चैंपियन पैदा कर सकता है। खिलाड़ी बनाना और चैंपियन पैदा करने में बड़ा अंतर है। खिलाड़ी तो मान लो कोई नॉर्मल आदमी बना, लेकिन चैंपियन बनाना उसका एक्सपीरियंस, उसका पीछे का बैकग्राउंड देखा जाता है, वो आदमी आमतौर पर। लेकिन इसमें कोचेज जब सरकारों से सुविधाओं की मांग करते हैं, एकेडमी के लिए जमीन की मांग करते हैं, वो जद्दोजहद भी लंबी हो जाती है। खिलाड़ी सहूलियतों की मांग करते रहते हैं, वो पिछड़ते जाते हैं। ये जो नजरिया है, क्या इसको बदलने की जरूरत होगी ऐसे में? बिल्कुल अश्विनी जी, आपकी बात बहुत ही सही बात है। हमने 2010 कृष्णा पुनिया ने कॉमनवेल्थ में, पहली महिला थी, आज तक हिंदुस्तान में किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। उसके बाद हमने कम से कम 50 बार एप्लीकेशन दी सरकार को कि हमें जमीन दे दी जाए, हमें नए खिलाड़ी तैयार किए। उस 2010 के बाद आज 2017 है, आज तक एकेडमी के लिए जमीन अलॉटमेंट नहीं हुई। अगर मैं एक आईएएस से मिला था, उसने ये कहा कि अगर मैं सरकार में होता तो ऐसा काम करता जैसे ही कृष्णा पुनिया ने मेडल जीता है, देवेंद्र झाझड़िया ने मेडल जीता है, इनको ऐसी एकेडमी स्थापित करके दी जाए और ये अपने जैसे खिलाड़ी और पैदा कर सकें। ऐसी प्लान गवर्नमेंट की, कोई भी खिलाड़ी हो जो मेडल जीतता है उसकी सेवाएं लेनी चाहिए स्टेट को या देश को। अब गोपीचंद एक बैडमिंटन में एक ब्रांड बन गया। मैं गोपीचंद से काफ़ी देर बातें होती है मेरी,
तो एक आदमी के कारण आप बैडमिंटन देख लो आज कहां से कहां चला गया। तो ऐसे दूसरे खेलों में भी आपको जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अच्छा इंसेंटिव देना पड़ेगा। हमारे एथलेटिक्स में देखिए, आप विदेश का कोच लेके आते हैं उसको तो 5 लाख रुपये पर मंथ देते हैं, और यहाँ का जो एशिया का मेडलिस्ट और दूसरा कोच उसको आप एक डिपार्टमेंट जो 50,000 रुपये 60,000 रुपये देता है वही मिलता है, उसको भी उसके बराबर सैलरी दीजिए ना, वो अच्छा काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। वो प्रोत्साहन उस स्तर पर क्या दिनेश जी आपको लगता है कि ये कमजोरी है, इसे दूर किया जाना चाहिए? देखिए ये यक्ष प्रश्न है कि विदेशी कोच हो या देशी कोच हो, क्योंकि विदेशी कोच जो होते हैं वो एकेडमिक्स उनकी ज़्यादा मजबूत होती है, टेक्निक उनकी ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेन जी, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो माहौल है अभी उसके अंदर ज़रूरत इस बात की है कि नंबर किसी न किसी तरह बढ़ाया जाए। आज आप देखते हैं फैसिलिटीज़ आप बना देंगे, इंडोर स्टेडियम आपने बना दिया, आपने एस्ट्रोटर्फ बना दिया, सिंथेटिक को आपने ट्रैक बना दिया, लेकिन कितने बच्चे वहाँ पर आते हैं ये देखिए आप। मैं कहता हूँ जिला जो प्रतियोगिताएँ होती हैं मुट्ठी भर बच्चे आते हैं, तो जब तक नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर स्वेल नहीं करेगा, तब तक आप कितने ही कोचेज लाइए। अब बैडमिंटन के अंदर है एक माहौल बना है, क्योंकि लगातार पदक जीते प्रकाश पादुकोण, उसके बाद गोपीचंद, साइना नेहवाल, सिंधु, एक सीरीज खिलाड़ियों की आ रही, श्रीकांत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक माहौल जब तक नहीं बनेगा और नंबर स्वेल नहीं करेगा तब तक आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए। एक आधा आपको टैलेंटेड बच्चा मिल गया, तैयार भी आपने कर दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, तो वह उसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि सामूहिक प्रयास। और इस बीच में जब नई अकादमियों को खोलने का ऐलान किया जाता है और उन पर काम नहीं होता, क्योंकि बुनियादी सवाल मेरा यहीं से था। देखिए वहाँ पर अकादमियों का सबसे बड़ा आजकल क्या हो गया है कि अकादमी खोलने का मतलब एक तरह से बिजनेस व्यापार बना दिया गया उसे भी। आप अकादमी बनाए बहुत अच्छी बात है, व्यापार भी करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सरकारी जो ऐलान होता है वो भी नहीं हो पाता जी। सरकारी ऐलान देखिए, एकेडमी बनने में बहुत समय लगता है, उसके बाद में एक तरह से पूरी तैयारी करनी पड़ती है, कोचेज लाने पड़ते हैं, बच्चे कहाँ से लाएंगे सबसे बड़ी बात यह है। गोपाल सैनी जाना माना नाम है, वो कहते हैं कि बच्चों को एथलेटिक्स ट्रैक तक लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्लैमर नहीं दिखता है। राजस्थान में अगर स्टेट वाले को स्टेट को 1 लाख रुपए करने के बाद स्टेट मीट के अंदर एक इवेंट के अंदर 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। प्राइस जो सरकार ने घोषणा करी है इससे स्टेट में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बढ़ा है। चलिए मैं ब्रेक लूँ, उससे पहले एक सवाल वीरेंद्र पूनिया साहब, अगले साल गेम्स है और पदक की बात कर रहे हैं, तो जो पदक लाने का जज्बा है वो और बढ़ जाए, वो भूख बढ़ जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सुनिए जी, मैं आपको बताऊं, पदक कोई 6 महीने में या 5 महीने में पदक नहीं आ पाता। पदक के लिए एक लॉन्ग प्लानिंग होती है। मैं 2010 की बात करता हूँ, 2010 कॉमनवेल्थ गेम हुए जब अजय माकन जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी एक टॉप ग्रुप बनाया उनको कहा कि कभी भी आधी रात को मेरे से काम हो ये मेरे मोबाइल नंबर आप फोन कीजिए, और उन्होंने हमारे देश में रिकॉर्ड तोड़ पदक कॉमनवेल्थ में हमें मिले आज तक की हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद उन्होंने ओलंपिक, लंदन ओलंपिक के लिए वो ही सुविधाएं कंटिन्यू की, 10 से 12 तक वो खिलाड़ियों को पूरा विदेश ट्रेनिंग, डॉक्टर, फिजियो, मेडिकल सपोर्ट। ओलंपिक्स में 6 पदक आए, बढ़ के 6 पदक ओलंपिक में पहली बार भारत ने जीते। उसके बाद 16 में देखिए आपने, फैसिलिटीज कम होगी, सिर्फ 2 पदकों पे देश रह गया, ऐसे पदक नहीं आ सकते। पदक के लिए लॉन्ग प्लानिंग, लॉन्ग प्लानिंग चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन अब राजस्थान के अंदर कोई कमी नहीं है। आज से 20 साल पहले देखो कितने राम निवास, गोपाल सैनी, राजकुमार, लॉन्ग डिस्टेंस के राजवीर जाकर कितने ही लोग होते थे, आज आपको एक एथलीट नहीं मिलता। ये लॉन्ग प्लानिंग से काम चलेगा, लॉन्ग प्लानिंग जब तक नहीं बनेगी पदक। खेल के मुताबिक लंबी सोच होनी चाहिए। इस बार के बजट की बात की जाए तो केंद्रीय बजट में करीब 22% का इजाफा किया गया, वो इजाफा क्या कहीं असर डाल सकता है, क्योंकि आमतौर पर खेलों का नजरिया बजट पर भी निर्भर करता है। ब्रेक के बाद इस पहलू पर। सरकार को क्रिकेट के अलावा भी अन्य जो खेल है उन खेल पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। IPL को जिस तरह से भारत में प्रमोट किया गया था, जिसकी आज विश्व स्तर पर पहचान है और भारत के बहुत से अच्छे क्रिकेटर आज सामने भी आए हैं, इसी तर्ज पर भारत सरकार को ये स्वतंत्र प्रभाव से ये निर्णय लेना चाहिए कि क्रिकेट के अलावा भी जो अन्य खेल हैं उसमें हमारे जो देश की प्रतिभाएं हैं वो निखर कर बाहर आए। लोगों का जितना भी रुझान है वो क्रिकेट के प्रति ज़्यादा है, इसके मेन वजह ये है कि क्रिकेट में जैसे क्रिकेट क्षेत्र में जैसे खिलाड़ी को पैसा ज़्यादा मिलना होता है, और जिसमें सरकार वगैरह वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, और धीरे धीरे जो पुराने खेल थे वो लुप्त होते जा रहे हैं।